नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मूडीज की मोदी को चेतावनी, पार्टी सदस्यों पर लगाम लगाएं वरना खत्म होगी साख। बीफ पर विवादों के बीच मूडीज एनालिटिक्स ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह किया कि यदि वे अपनी पार्टी के सदस्यों पर लगाम नहीं लगाते तो देश घरेलू और वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता खो देगा। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट भारत का परिदृश्य संभावनाओं की तलाश में कहा कि देश वृद्धि की अपेक्षित संभावनाओं को हासिल करे इसके लिए उसे उन सुधार कार्यक्रमों पर अमल करना होगा जिसका उसने वादा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल में सरकार ने स्वयं अपने लिए कोई अच्छा काम नहीं किया क्योंकि भाजपा के कई सदस्य विवादित टिप्पणी करते रहे। मोदी जी ने अनुमान जताया है कि सितंबर की तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.3% रहेगी जबकि पूरे वित्त वर्ष के दौरान 7.6% रहेगी। केजरीवाल सरकार को झटका, दिल्ली की बिजली कंपनियों का नहीं होगा ऑडिट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में राजधानी की तीनों बिजली पारेषण कंपनियों को राहत देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के पास इन कंपनियों के खातों का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सिंह एंडला ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। न्यायालय का कहना था कि राज्य सरकार दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनियों टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन BSES, राजधानी पावर और BSES यमुना पावर का ऑडिट नहीं करा सकती। एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे भाजपा और महागठबंधन। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा और महागठबंधन में चल रहे वाक युद्ध के बीच दोनों पक्षों ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचकर एक दूसरे की शिकायत की। भाजपा ने महागठबंधन के नेताओं पर वोटों की खातिर राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर महागठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर जाति के आधार पर वोट मांगने, धार्मिक भावनाएं भड़काने तथा चुनाव आयोग पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। हरभजन के रिसेप्शन के लिए युवराज ने छोड़ा रणजी मैच। अपने अच्छे दोस्त और साथी खिलाड़ी हरभजन सिंह के दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाले रिसेप्शन में हिस्सा लेने के लिए ऑलराउंडर युवराज सिंह असम के खिलाफ पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी मैच में नहीं खेलेंगे। भज्जी के करीबी मित्र युवराज ने ट्विटर पर नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरभजन अब दूसरा नहीं फेंक सकते हैं क्योंकि उनकी शादी हो गई है। आप दोनों को शादी की शुभकामनाएं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।